हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम इंग्लिश लैंग्वेज के इम्पोर्टेंट सेक्शन फैक्ट्री की शुरुआत करने चल रहे हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल्स को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम फैक्ट्री के बारे में पहले थोड़ा जानते हैं। बोला जाता है फैक्ट्री वन ऑफ द सेवरल ब्रांचेस ऑफ लिटरेचर है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के लिटरेचर को पढ़ने के लिए कई सारी ब्रांचेस हैं, जिनमें से पोएट्री भी एक ब्रांच है। इज़ द ओल्डेस्ट एंड हॉनरेबल मोस्ट हॉनरेबल ब्रांच, और ये जो पोएट्री है ये सबसे पुरानी और सबसे सम्मानित ब्रांच रही है। इट इज़ मेन टू बी इंजॉयड, और ज़्यादातर इसका प्रयोग तो हम अपने इंजॉयमेंट के लिए करते आए हैं। इफ़ यू आक्स व्हाट पोएट्री इज, अगर आपसे पूछा जाए कि पोएट्री क्या है, इट कैन नॉट बी टोल्ड, तो इसे बताया नहीं जा सकता कि वास्तव में पोएट्री है क्या। इफ़ यू डू नॉट आक्स, अगर आप ऐसा नहीं पूछते हैं, इट इज़ नोन, तो ये चीज़ें जानी जा सकती हैं। पोएट्री एक्साइट्स आवर इमोशंस, पोएट्री जो है वो हमारे इमोशंस को एक्साइट करती है, मतलब हमारे अंदर की जो उत्तेजनाएँ हैं उनको बाहर निकालने का काम करती है। इट अवेकन्स आवर हार्ट एंड मेक्स अस टू सी द न्यू अर्थ आर अ न्यू हेवन, जो पोएट्री है वो हमारे हृदय को क्या करती है कि हमारे हृदय को जगाती है, और हमें वो बाहर की वो दुनिया दिखाती है जिसे हम अपने आप से स्वर्ग महसूस करते हैं। द मोर वन रीड्स पोएम्स द मोर वन एंजॉयज, ऐसा बोला जाता है कि जैसे जो व्यक्ति जितने से ज़्यादा पोएम्स पढ़ता है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पोएट्री पढ़ता है, उसको उतना ही ज़्यादा इंजॉयमेंट मिलता है। पोएट्री इज इटरनल एंड इट्स मेक्स द मोमेंट इटरनल, ऐसा बोला जाता है कि पोएट्री जो है वो आंतरिक लक्षणों को बाहर अभिव्यक्ति का एक साधन है। तो आप जितनी पोएट्री का एंजॉयमेंट करते हैं, उतनी ही आप मोमेंट को और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट पोएट्री इज अ मोमेंट्स मोनोमेंट, ऐसा माना जा सकता है कि पोएट्री जो है वो एक क्षण में इमारत के जैसा दिखने वाली चीज़ है, मतलब एक क्षण में आप अपनी सारी इमोशन, सारे थॉट, सारे फीलिंग्स को एक स्ट्रक्चर के रूप में दे देते हैं। डेट्स बी कॉल्ड पोएट्री। और इसके डिफिनेशन या इसकी परिभाषा के बारे में बात करें तो पोएट्री एक ऐसी चीज़ है जिसको हम एक लाइन के थ्रू या एक किसी शब्द के थ्रू डिफाइन तो नहीं कर सकते हैं, एंड पोएट्री कैन नॉट बी डिफाइंड, जैसे कि कहा भी गया है कि पोएट्री को हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। इट इज़ लाइक लव, ये बिल्कुल प्यार के जैसा है। डैट यू कैन नॉट बी डिफाइंड बट कैन बी फेल्ट, जैसे आप प्यार को किसी से बता नहीं सकते कि हम कैसा प्यार करते हैं, बस केवल उसे आप खुद ही खुद महसूस करके कुछ अंदर ही अंदर अच्छा फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लव इज लाइफ है, ऐसा बोला जाता है कि प्यार ही तो जीवन है, एंड पोएट्री हैज़ टू फैसन ऑन लाइफ, और जो हमारी ये पोएट्री है ये उस लाइफ से भी कई बेटर है, मतलब हमारी लाइफ को ये और भी फैसन वे से आगे बढ़ाती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन इन टू एग्जैक्ट लैंग्वेज, हम पोएट्री को किसी एक निश्चित भाषा से डिफाइन नहीं कर सकते, किसी एक निश्चित लैंग्वेज से हम इसे एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते। देयर इज हाउ एवर अ नंबर ऑफ डिफिनेशन ऑफ पोएट्री, लेकिन फिर भी पोएट्री की कई डिफिनेशन अलग अलग कवियों ने अलग अलग तरीके से अपने व्यूज रखे हैं पोएट्री को डिफाइन करने के लिए, उनमें से कुछ नीचे यहाँ दिए गए हैं। जैसे हमारे एक महान पोएट हैं कैरली, उन्होंने कहा है पोएट्री वी विल कॉल म्यूजिकल थाट, पोएट्री को हम ऐसा जैसे संगीत में विचार होता है, मतलब अपने मन में जो विचार है गुनगुनाते हुए हम जब उसको व्यक्त करते हैं तो वो पोएट्री का फॉर्म ले लेती है। तो कार्ले ने कहा है कि पोएट्री जो है वो एक म्यूजिकल थाट की तरीके से है। एंड अनदर राइटर डेट्स वी कॉल पी वी सैली ने पोएट्री के विषय में कहा है कि पोएट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड अपेलेस्ट मोमेंट ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट माइंड। वी सैली ने कहा है कि जब हमारा दिमाग प्रसन्न होता है उस वक्त उस क्षण हम अपना बेस्ट क्रिएशन करते हैं, और उस बेस्ट क्रिएशन की वजह से ही हमारी पोएट्री बाहर निकलती है। हमारे जो महान लेखक हैं विलियम शेक्सपियर ने भी पोएट्री को डिफाइन करते हुए कहा है कि द बेस्ट पोएट्री द मोस्ट फीलिंगली बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, पोएट्री जो है वो हमारी कल्पनाओं सबसे आंतरिक या सबसे अच्छी कल्पनाओं की एक अभिव्यक्ति होती है। डेट्स श्योर कि पोएट्री जो है वो खुद में एक अद्भुत चीज़ें हैं, और जिसको हम आगे से अब रिकॉल करने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ये पोएट्री है ये इंग्लिश लैंग्वेज की पोएट्री की शुरुआत आज से लगभग 1340 ईस्वी पूर्व से 1400 के बीच में शुरुआत हुई थी। उस समय एक पीरियड चल रहा था कैरलोकिन का, और जॉफ्री चौसर नाम के एक व्यक्ति हुए जिन्हें इसका श्रेय दिया गया। तो अंग्रेजी
के इस पोट्री सेक्शन के जो जन्मदाता हैं उनको हम जॉफ्री चार्सर के नाम से जानते हैं और उन्हें फादर ऑफ नॉवेल भी कहा जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, देन टेक केयर, बाय बाय।